कौन सी स्त्री आपसे सच्चा प्रेम करती है और कौन सी झूठा, ये तीन बातें समझ लो, कभी धोखा नहीं खाओगे। मित्रों, हर स्त्री बदचलन नहीं होती है, कई बार आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, पहले स्थिति को समझें, फिर अपने ऊपर नियंत्रण रखें। क्योंकि कहते हैं क्रोध में, जल्दबाजी में और भावना के आवेश में, घबराहट में कभी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसरों पर लिए गए निर्णय स्वयं के लिए ही दुखदायी होते हैं। मित्रों, ये कहानी आपको बताएगी कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है। तो चलिए बने रहिए इस कहानी में वीडियो की समाप्ति तक। ये कहानी आपके लिए एक बहुत बड़ा अनुभव देकर जाएगी। दर्शक बंधु, किसी नगर में एक मकरंद नाम का सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही धनवान था। उसकी एक गल्ले की दुकान थी। वो अपनी दुकान को बड़ी ही ईमानदारी से चलाता था। सेठ का काम बहुत ही साफ सुथरा था। उसके यहां किसी भी तरह का छल फरेब नहीं होता था। बहुत से अन्य दुकान वाले जो थे वो अपने यहां गल्ले में खूब मिलावट करते थे, परंतु सेठ मकरंद कभी राशन में कोई मिलावट नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, सेठ मकरंद लाल के आसपास वाले जो दुकान वाले थे उनके यहां मकरंद के मुकाबले ग्राहक तो कम आते थे, परंतु फिर भी वे अच्छा मुनाफा कमा लेते थे। मगर सेठ मकरंद अपनी ईमानदारी के चलते ज्यादा लाभ नहीं ले पाता था। यह बात उसे जब कभी अंदर ही अंदर खसोटती रहती थी। सेठ मकरंद सोचता था कि अजीब जमाना आ गया है, मेहनत और ईमानदारी से चलने वाले तो सिर्फ दो वक्त की रोटी ही कमा पाते हैं, मगर अधर्म से कमाई करने वाले दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते जा रहे हैं। यदि मैं इसी रास्ते पर चलता रहा तो जीवन में कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। मित्रों, सेठ के मन में भी लालच आ जाता है। सोचने लगा कि मुझे भी अब ज्यादा सत्वादी बनने की जरूरत नहीं है। यही सोचकर सेठ ने अनाज में कंकड़ मिलाने की ठान ली। उसने एक थैले में छोटे छोटे कंकड़ भरकर रख लिए। सोचा कि इन कंकड़ों को रात में पत्नी के सो जाने पर मिला दूंगा। अगर उसके सामने मिलाऊंगा तो वो मुझे ऐसा नहीं करने देगी। नगर के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं एकदम साफ स्वच्छ चीजें बेचता हूं। थोड़ी बहुत मिलावट करने पर कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। मित्रों, शाम को सेठ ने वो थैला छुपा कर रख दिया। सेठानी ने देख लिया कि सेठ जी आज कुछ छुपा कर रख रहे हैं। सेठानी ने चुपके से उस थैले को खोलकर देखा तो कंकड़ देखकर वो दंग रह गई। सोचने लगी कि सेठ जी इन कंकड़ों का क्या करेंगे, इतने सारे कंकड़ सेठ जी घर में लेकर क्यों आए हैं? कहीं हमारा सेठ राशन में मिलावट तो नहीं कर रहा है, मुझे छुपकर देखना चाहिए। मित्रों, सेठानी बड़ी ही धार्मिक विचारों वाली थी। खूब भगवान की पूजा पाठ करती थी। बेईमानी का पैसा मनुष्य को गला देता है। बेईमानी का धन खाने वाले मानसिक और शारीरिक रूप से कभी सुखी नहीं रहते हैं। इसका असर उनकी औलाद पर भी पड़ता है। दूसरी बात, अगर कोई पापी है, अगर आपने उसके धन की बेईमानी कर ली तो उसका पाप धन के माध्यम से खाने वाले पर चला जाता है। बेईमानी का धन हमेशा रोग और शोक और कलेशों को बढ़ाने वाला होता है। सेठानी यह बात जानती थी। मित्रों, इधर रात का समय होता है। सेठ उन कंकड़ों को अनाज में मिलाने की फिराक में थे। सोचा कि सेठानी सोए तब मैं ये काम करूं। इधर सेठ सोने का बहाना करके अपने पलंग पर लेट जाता है, मगर वो सेठानी को दिखाने के लिए ही लेटा था, असल में तो वो जाग रहा था। उधर सेठानी भी बहाना बनाकर लेट गई कि देखे रात में सेठ जी क्या करेंगे। इस तरह से मित्रों आधी रात बीत जाती है। सेठ को विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी सो गई है। अब तो सेठ चुपचाप उठा और गल्ले में कंकड़ मिलाने के लिए चल दिया। इधर सेठ की पत्नी भी धीरे से उठकर उसके पीछे पीछे चल दी। सेठ ने अपना थैला निकाला और गल्ले में मिलाने ही वाला था कि इतने में उसकी पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। पत्नी ने पूछा, अजी ये तुम क्या कर रहे हो? पत्नी को देखकर सेठ सकपका गया। चोरी तो चोरी होती है और चोरी करने वाला एक बालक से भी, एक बच्चे से भी डर जाता है। उससे कोई उत्तर नहीं आया।
सेठानी बोली, सेठ जी ये मिलावट का धन मुझे नहीं चाहिए। चारों तरफ तुम्हारा नाम है, लोग तुम पर विश्वास करते हैं और तुम लोभ में आकर के उनके साथ धोखा कर रहे हो। अरे कम से कम भगवान से तो डरो, ईमानदारी की कमाई से जीने में भला क्या कमी रह गई जो धोखाधड़ी करने की सूची। ऐसा करके तुम दूसरों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ भी धोखा करोगे। किसके लिए कर रहे हो ये सब? मेरे लिए, परंतु मैंने तो कभी आपसे ना तो आभूषणों की मांग की और ना अच्छे कपड़ों की, ना मैंने कभी आपसे अच्छा भोजन मांगा। ईश्वर का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्यों अपनी नीयत खराब कर रहे हो? मुझे ऐसी अमीरी नहीं चाहिए जो छल फरेब और धोखे की बुनियाद पर बनी हो। मैं तो उस ईमानदारी की गरीबी से ही बहुत खुश हूं, मेरे लिए तो वो ईमानदारी ही अनमोल हीरा है। सेठानी बोली, सेठ जी आज आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। मित्रों, अब तो सेठ अपनी पत्नी की खरी खोटी सुनकर बहुत लज्जित हुए। उसने अपने दोनों कान पकड़े और बोला कि सेठानी मुझे माफ कर दो, अब जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मुझे क्या पता था कि तू इतनी ईमानदार है, मैं ये सब तेरे लिए ही तो करने जा रहा था। खैर अब तुम मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारे जैसी स्त्री जिस घर में होगी उसका पति पुत्र कभी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकता, अब तुम मुझे माफ कर दो। सेठानी बोली, सेठ जी माफी मांगकर तुम मुझे पाप का भागी मत बनाओ, आप मेरे पति हो। मित्रों, सेठ को अपनी करनी पर बड़ा अफसोस हो रहा था और उसने कभी भविष्य में ऐसा ना करने का वचन दिया। मित्रों, उस समय सेठानी गर्भावस्था में थी, अपने पति को सही रास्ते का पाठ पढ़ाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। कहते हैं कि अगर गर्भावस्था में स्त्री अच्छी सोच रखती है, अच्छे विचार उत्पन्न करती है, अच्छे काम करती है, तो उस घर में बच्चा भी अच्छे विचारों वाला ही उत्पन्न होता है। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता गया, सेठानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने उसका नाम जसवंत रखा। एक सुंदर से पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। बालक के भाग्य में आगे मां का सुख नहीं लिखा था। बालक जसवंत जब 5 साल का हो जाता है तो उसकी मां मर जाती है। पत्नी का गम सेठ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, परंतु अपने बच्चे के पालन पोषण में उसने कोई कमी नहीं रखी थी। सेठ के रिश्तेदारों ने सेठ से दूसरा विवाह करने को भी कहा, पर अपने पुत्र को ध्यान में रखते हुए सेठ ने दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया। सेठ जानता था कि सौतेली मां बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाएगी और मैं भी काम के वशीभूत होकर उसकी गलती होने पर भी उससे कुछ नहीं कह पाऊंगा। सेठ मकरंद अपने बच्चे को मां और पिता दोनों का प्यार देता था। सेठ का लड़का देखने में तो सुंदर था ही, इसके साथ साथ वो गुणवान भी था। धीरे धीरे सेठ का पुत्र जवान हो गया तो सेठ ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे का विवाह कर दूं। शादी की बात सुनकर सेठ का पुत्र जसवंत कहता है कि पिताजी इतनी जल्दी मुझे विवाह के बंधन में मत बांधो, पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो, मैं भी अब कुछ काम धंधा करके स्वयं में सक्षम होना चाहता हूं। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जाऊं। सेठ ने कहा, बेटी अब तो सब कुछ तुमको ही देखना है, यदि तुम व्यापार के लिए बाहर जाना चाहते हो तो चले जाओ, पर जाने से पहले तुम मेरी इन 5 बातों का विशेष ध्यान में रखना। पहली बात, हमेशा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना, उतना ही बोलना जितने की आवश्यकता हो। अधिक बोलने से मनुष्य की बुद्धिमानी सिद्ध नहीं होती, बल्कि उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनसे व्यर्थ का वाद विवाद खड़ा हो सकता है, अनचाही मुसीबत आ सकती है। दूसरी बात, हमारी बेटा ये याद रखना, रास्ते में तुम्हें एक से बढ़कर एक सुंदर खुशबूदार फूल मिलेंगे, उनकी सुगंध पाकर तुम भमरा बनकर उनका रस मत लेने लग जाना। तीसरी सीख हमारी ये है कि तुम किसी को धोखा मत देना। चौथी सीख ये है कि कहते हैं ऊबड़ खाबड़ स्थान पर पारस मिल जाता है, अगर मिल जाए तो उसे छोड़कर मत आना। और पांचवी सीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर विष के अंदर अमृत पड़ा हो तो निसंकोच पी लेना, अगर कीचड़ में रतन पड़ा दिखाई दे जाए तो उसे बिना घृणा के निकाल लेना, अगर नीच से नीच आदमी से भी कुछ सीखने को मिले तो उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना, अगर बुरे परिवार से भी, दुष्ट परिवार से भी स्त्री रतन की प्राप्ति होती हो
तो उस रतन को अपने साथ ले आना। मित्रों, ये पांच बातें बताकर सेठ मकरंद ने अपने बेटे जसवंत को व्यापार करने के लिए बाहर भेज दिया। पुराने समय में लोग अधिकतर पैदल ही सफर करते थे। ये दुनिया अच्छे बुरे लोगों से भरी पड़ी है। घर से निकलने के बाद आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी। अब ये आपको देखना है कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ कैसे रहना है। पहले जब लोग बाहर जाते थे तो जिनके पास पैसा होता था वे किसी सराय में ठहर जाते थे, और जिनके पास पैसा नहीं होता था वे किसी धर्मशाला या किसी पेड़ वृक्ष के नीचे लेटकर रात गुजार लेते थे। मित्रों, जसवंत अपने पिता की आज्ञा लेकर व्यापार करने के लिए चल देता है। चलते चलते रास्ते में उसे दोपहर हो जाता है। उसने देखा कि नगर से बाहर एक घनी छायादार वृक्ष खड़ा है। उस पेड़ के नीचे पहले से एक पति और पत्नी आराम कर रहे थे। वे दोनों पत्नी बहुत खूबसूरत थी। उस आदमी की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा उसके साथ हो। जसवंत भी उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन वो स्त्री बहुत सुंदर थी, इसलिए जसवंत बार बार उसे देखे जा रहा था। वो स्त्री भी उस खूबसूरत नौजवान की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी, क्योंकि मित्रों, सेठ का लड़का भी किसी राजकुमार से कम नहीं था। तब उस खूबसूरत औरत के पति ने जसवंत से पूछा, भाई आप कौन हो और इधर कहां जा रहे हो? तब जसवंत कहता है कि मैं एक साहूकार का पुत्र हूं और व्यापार के सिलसिले में आगे जा रहा हूं। सेठ के बेटे का गंतव्य पूछकर वो आदमी कहने लगा, भाई हमें भी उसी नगर में जाना है जहां आप जा रहे हो, क्यों ना हम लोग साथ साथ चलें तो अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने में हमें 10 दिन लग जाएंगे। अगर साथ में रास्ता तय करेंगे तो हमारा सफर भी आसान हो जाएगा और हमारे लिए कुछ सहूलियत भी हो जाएगी। उस औरत के पति की बात सुनकर जसवंत खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था। वो सोच रहा था कि अगर इनके साथ चलूंगा तो इस स्त्री की सुंदरता को देखता चलूंगा। सुंदर चीज को कौन नहीं देखना चाहेगा। मित्रों, जसवंत उनके साथ साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब तो वे तीनों आपस में बातचीत करते हुए आगे को चल देते हैं। दर्शक बंधु, वो स्त्री सुंदर होने के साथ साथ बहुत मजाकिया भी थी। उसने तुरंत जसवंत से देवर भाभी का रिश्ता जोड़ लिया। उस औरत ने पूछा, देवर जी आपकी शादी अभी हुई है कि नहीं? जसवंत ने कहा, भाभी जी अभी तो मैं कुआरा हूं। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी मान लो अगर तुम्हें रास्ते में कोई सुंदर युवती मिल जाए तो क्या तुम उससे विवाह कर लोगे? जसवंत ने जवाब दिया, नहीं भाभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो स्त्री बोली, देवर जी भला मिठाई किसे अच्छी नहीं लगती, और स्त्री तो वैसे भी किसी रसमलाई से कम नहीं होती है। एक बार इसका स्वाद लग गया तो कभी नहीं कहोगी कि मैं विवाह नहीं करूंगा। मित्रों, वो स्त्री देवर देवर कहकर जसवंत से हंसी मजाक करती हुई चली जा रही थी। वो कभी मुस्कुराती थी, उसकी मीठी मीठी बातें करना, उसका मुस्कुराना, उसका हंसी मजाक करना जसवंत को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो मन में यह भी सोच रहा था कि यह स्त्री कैसी है जो अपने पति के सामने मुझसे इस तरह की बातें कर रही है। पर जो भी हो, उस स्त्री के साथ चलना और उसकी हंसी मजाक भरी बातें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। हंसी दिलगी करते हुए वे चले जा रहे थे। इस तरह चलते चलते उन्हें रास्ते में रात हो जाती है। उन्होंने एक जगह ठहरने का निश्चय किया और किसी साफ शुद्ध स्थान को देखकर वहीं ठहर जाते हैं। तीनों ने मिलकर भोजन किया और खा पीकर आराम से सोने की तैयारी करने लगते हैं। सोने से पहले उस सुंदर स्त्री का पति बोला, भाई हमारे साथ हमारी पत्नी है और परदेश में हमें किसी का कुछ पता नहीं कौन कैसा है। सुंदर स्त्री को देखकर भला किसकी नीयत खराब नहीं होती। अब तुम भी मेरे छोटे भाई जैसे हो। हमारी स्त्री की रखवाली करना अब तुम्हारा भी उतना ही फर्ज है जितना कि मेरा। मेरे पास एक तलवार है, उस तलवार को लेकर आधी रात तक तो मैं जागता रहूंगा और आधी रात के बाद तुम्हें जागकर पहरेदारी करनी है। जसवंत कहने लगा, भाई आप चिंता ना करो, आप आराम से सोइए, भाभी की रखवाली मैं करता रहूंगा। मित्रों, इस प्रकार पहले तो उस स्त्री का पति जागकर आधी रात तक पहरा देता है। जसवंत और वो स्त्री आराम से सोते रहती हैं। उसके बाद उसने जसवंत को जगाया। अब सेठ का लड़का पहरा देता है और वे दोनों आराम से सो जाते हैं।
थोड़ी देर के बाद जब उसका पति सो जाता है तो वो स्त्री नींद से जागती है और जसवंत के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगती है। इस तरह से वो पूरी रात जसवंत के साथ बैठकर हंसी मजाक सब तरह की बातें करती रही। उस स्त्री का अपने पास बैठकर बातें करना जसवंत को बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो उनका रोज का नियम बन गया। आधी रात को जब उसका पति सो जाता था तो वो स्त्री रोजाना रात में जाकर जसवंत के साथ बातें किया करती थी। मित्रों, इस प्रकार से उन तीनों का सफर करता चला गया। चलते चलते जब भी अपने गंतव्य के नजदीक आ गए तो सोचने लगे कि आज की रात साथ साथ बिताने के बाद अब हम अलग हो जाएंगे। जसवंत को और उस स्त्री को इसी बात की चिंता खाए जा रही थी। इधर जब रात होती है और भोजन करने के बाद वे एक जगह ठहर जाती है। आधी रात के बाद जब जसवंत पहरेदारी करने का नंबर आता है, उधर आधी रात के समय वो स्त्री भी जाग जाती है। आज वो बहुत उदास थी। जसवंत के पास बैठकर वो कहने लगी, देवर जी, आज के बाद तो फिर कभी हम नहीं मिल पाएंगे। आज ही हमारे पास मौका है। वो स्त्री मुस्कुराती हुई जसवंत से कहने लगी, देवर जी, आप कितने अच्छे हो। मन करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में भरकर जिंदगी भर के लिए कैद कर लूं, परंतु मेरा ऐसा सौभाग्य कहां है। सचमुच तुम बहुत सुंदर हो और तुम जैसे पुरुष को पाकर कोई भी स्त्री अपने आप को भाग्यशाली समझेगी। उस स्त्री के मुख से इन बातों को सुनकर जसवंत चौंक जाता है। कहने लगा, भाभी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप एक शादीशुदा स्त्री हैं और इस समय आपके पति आपके साथ में है। पति को धोखा देकर किसी पर पुरुष पर मर मिट जाना पाप कहलाता है। वह स्त्री कहने लगी, जसवंत, मैंने जब से तुम्हें देखा था तभी से तुमने मेरी रातों की नींद चुरा ली है। इसीलिए तो मैं रात को जाकर तुम्हारे साथ बातचीत किया करती हूं। सचमुच मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं और तुम्हारा साथ पाना चाहती हूं। रही मेरे पति की बात, तो उनकी तुम चिंता मत करो। तुम्हारे हाथ में तलवार है, अगर तुम चाहो तो इस कांटे को काटकर दूर फेंक सकती हो। कहते हैं प्रेम में आदमी कुछ भी नहीं देखता। मैं तुम पर दिलो जान से मरती हूं। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपने जीवन को यही नष्ट कर दूंगी। मित्रों, उस स्त्री को अपने ऊपर अत्यंत आसक्त देखकर जसवंत को अपने पिता की बात याद हो आई कि राह चलते तुम्हें अनेकों सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे। उन फूलों पर भमरा बनकर उनका रस मत लेने लग जाना। जसवंत ने अपने आप को संभाला और उस स्त्री को समझाने लगा कि भाभी, अपने पति को धोखा देना महापाप है। मैं तो इसीलिए तुमसे बात कर लिया करता था कि तुम्हारी मजाकिया बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो स्त्री कहने लगी, जसवंत, तुम्हारा समझाना व्यर्थ है। जल्दी से मेरे पति की हत्या कर दो, फिर हम दोनों यहां से भाग चलेंगे। जसवंत कहने लगा, भाभी, तुम इतनी गिरी हुई स्त्री हो, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। वरना हम तुम्हारे साथ कभी नहीं आते। सोचो, तुम्हारे पति ने मुझ पर विश्वास किया है, उसने मुझे अपना छोटा भाई माना है और मैं उसके साथ विश्वासघात करने की नहीं सोच सकता। इस समय अगर उन पर कोई संकट आ जाए तो मैं उसे अपने ऊपर ले लूंगा, क्योंकि मैं पहरेदारी कर रहा हूं। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे पति की जान बचाऊंगा। तुम कितनी नीच और कामी स्त्री हो। सच कहा है किसी ने कि जिन स्त्रियों का मन पराए पुरुषों में रमता है, उनका पति चाहे कितना ही सुंदर हो, गुणवान हो, बलवान हो, फिर भी वे उसे छोड़ जाती है। जसवंत कहने लगा, भाभी, तुम्हें देखकर मुझे तुमसे घृणा हो रही है। तुम कैसी स्त्री हो, देवता समान अपने पति को छोड़कर तुम मुझे पाना चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ कदापि ये गंदी हरकत नहीं कर सकता। मित्रों, जसवंत ये बात कह ही रहा था, इतने में उस स्त्री का पति उठकर बैठ जाता है और कहने लगा, जसवंत भाई, मेरे पास आकर बैठो और अपनी भाभी के प्रति मन में जो नफरत उत्पन्न हो गई है उसे निकाल फेंको। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी भाभी बुरी स्त्री है, मगर ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दरअसल मेरी पत्नी ने जब से तुम्हें देखा है तब से उसने तुम्हें अपनी बहन के लिए पसंद कर लिया है। इसकी एक छोटी बहन है जो देखने में इससे भी ज्यादा सुंदर है और तुम रूप और आयु में बिल्कुल उसके योग्य हो। इसकी बहन का पति कहीं बुरा ना मिल जाए, इसीलिए यह तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। पिछले 10 दिनों से हर तरह से जांचा परखा है, तुम इसकी परीक्षा में पास हो गए हो। अब तुम्हें ना कहीं काम ढूंढने की जरूरत है और ना नौकरी करने की। मेरी पत्नी सिद्धनगर के सबसे बड़े सेठ मनोहर लाल की बेटी है।
ये दो बहनें हैं, मनोहर लाल का कोई बेटा नहीं है, तो सारी संपत्ति की देखरेख अब हमें ही करनी है। मित्रों, उस स्त्री के पति की बात सुनकर जसवंत चौंक जाता है। कहने लगा, भाभी माफ करना, मैं तो आपको गलत स्त्री समझ बैठा था। अनजाने में पता नहीं मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। सचमुच तुम दिल की बहुत अच्छी हो। वो स्त्री कहने लगी, जसवंत, हर स्त्री गलत नहीं होती। कई बार स्त्रियां अपना काम बनाने के लिए अभिनय भी करती हैं। स्त्री के प्रेम को तब तक सच नहीं मानना चाहिए जब तक आप उसे खूब परख ना लो। अधिकतर ऐसी स्त्रियों के प्रेम में सच्चाई कम, अभिनय ज्यादा होता है। कुछ स्त्रियां अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप पर प्रेम बरसा सकती हैं, उसे सच नहीं मानना चाहिए। कौन सी स्त्री वास्तविक आपसे प्रेम करती है, ये तीन बातें जान लो, आप उसे पहचान जाएंगे। नंबर एक, जो स्त्री आपको देखकर आपकी केयर करना शुरू कर दे, आपसे मिलने के बहाने तलाशने शुरू कर दे, आपको दुख और चिंता में देखकर स्वयं भी चिंतित हो जाए, तो समझ लेना वो आपसे सच्चा प्रेम करती है। नंबर दो, जो स्त्री आपकी किसी भी बात का बुरा ना माने, आपके धन से संबंधित कोई बात ना पूछे, जिसे रात में नींद ना आती हो, तो समझ लेना वो आपसे वास्तविक प्रेम करती है। नंबर तीन, जो स्त्री अभिनय करने वाली ना हो, जो दिल में हो उसे कहने में शर्माए और कहते कहते कई दिन लग जाए, तो समझ लेना कि वो आपसे वास्तविक प्रेम करती है। जसवंत कहने लगा, भाभी तुम मेरे लिए मां की तरह हो। वो स्त्री बोली, देवर जी अब तो बात पक्की हो गई है। अब आप अभी से मान लो कि आप मेरे बहनोई बन गए हैं। मित्रों, इस प्रकार वो स्त्री अपनी बहन का विवाह जसवंत के साथ में करवा देती है। इसीलिए कहते हैं, हर स्त्री बदचलन नहीं होती है, हर स्त्री का प्रेम सच्चा नहीं होता है, कई बार सिर्फ दिखावा होता है छलावे के लिए। तो दर्शक बंधु, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।